हेलो भाई, मेरुन पवार इस किया सेल्टोस को 3 साल जैसे ही हुए भाई ये ऐप देना स्टार्ट हो गई। एक बार तो इसकी पहली ही दिक्कत हुई थी, ये देखो लाइट स्लूपर लूपर अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं, वो जो FPS वाला सिस्टम होता है ना, उसको जैसे DRL हमको फ्लिकर करती हुई दिखती है, लेकिन इसमें रियलिटी में कर रही है यार। 3 साल हुए नहीं गाड़ी को और इसकी बैटरी बड़ी ऐप देने लग गई। एक दिन और इसने, हम ऐसी बाजार में गए थे वहां पे और दिक्कत करी थी, दिखाई ये गल्ला क्या चाबी भाई, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैंने कैमरा अपना खोल लिया। ये देखो यहाँ पे लाइट वाइट इसकी आ रही है प्रॉपर, अच्छा कलाकारी कर रखी है मेरे से पहले, फ्यूज बॉक्स वगैरह खोल के, वाओ वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो भाई घर में गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसा भी नहीं कि गाने सुने हो किसी ने। देखो सुई कैसे करती है भाई, जब आपकी बैटरी वीक हो तो सुई देख रहे हो आप कितनी बुरी तरीके से करती है, 6 KBS वगैरह पूरा सिस्टम आ जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, डीजल गाड़ी की तो 60 AH की बैटरी होती है, जो पेट्रोल की होती है सोनेट हो गई और जो i20 बलिनो इनकी 35 AH की होती है, तो ये ऑलमोस्ट डबल सी होती है यार डीजल गाड़ी की। इतनी जल्दी इसको मेरे ख्याल से तो वीक नहीं पड़ना चाहिए भाई 3 साल में, बाकी देखते हैं अगर कोई जुगाड़ करके अगर हो जाती है स्टार्ट तो ठीक है। अभी दिनेश अपना दिमाग लगा, देखना पहले क्या करना क्या करना है, क्या दिमाग लगा रहे हो आप? अभी करेंगे, अभी पानी आमंत है, अभी पानी इनमें देख ले खोल के, खोल 1 रुपए से पानी चेक करता है, करो जी करो आप। अभी तो चलो घर पे ही खराब हुई है, एक दिन बाजार में बंद पड़ गई मेरी, एक बार लड़ाई हो गई, 400 रुपए मांगने लग गए स्टार्ट करने के, जम स्टार्ट करने के मात्र 400 रुपए मांगने लग गए, मैं गुतिया उससे, चलना आराम का थोड़ी आ रहा है इतना 400 रुपए। सही है यार इनमें तो पानी होएगा, पानी तो बहुत, हाँ किया वाले चीज तो बढ़िया कर रहे, टर्मिनल भी ठीक है भाई, इतना जंग ना लग रहा जितना तू सोच रहा है। इसमें पानी 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 है गर्म है, और इसमें पानी में नमक गिर रखा हल्का सा चुना सा। वाह वाह भाई, यो सीख लो आप भी, गाड़ी कल को स्टार्ट ना हो। सर आप करेंगे करेंगे स्टार्ट होगी जरूर यार गाड़ी। चलो भाई ब्रश हो गया है हमारी किया सेल्टोस का, कह रहा था ना दिनेश बैटरी वीक है टर्मिनल सही है, मैं पता ही पहले दिक्कत आ रही है वेंटिलेटर में, दिक्कत आ रही है कट है वेंटिलेटर में, उसमें दिक्कत नहीं आ रही, चार्ज नहीं है बैटरी, बैटरी में वो नहीं है चार्जिंग, बैटरी खत्म, 3 ईयर ओल्ड हो गई, 3 ईयर ओल्ड, 10,000 रुपीज की नई 3,000 में आ जाएगी। चल अब धक्का लगवा दे, 500 रुपीज तुझे दूंगा, इसको खोल के नई लगा दे तो तरह चंट बन जाएगी, 500 रुपीज में खरीद के ला सोना से। अच्छा कोई बात नहीं, लाइक करें। चलो भाई चलो मारो धक्का, भाई इसमें कितनी चीज है, ब्रेक लाइट एंड क्या क्या आता है, मौसम बना देना भाई, स्टेयरिंग बिल्कुल नहीं वो होता। हाँ मारो, अरे स्पीड तो बनाओ, तू फोन में लग रहा तेरा करीब है, कच जान भी लगाई है तुमने, कच स्पीड भी आई है गाड़ी की, कच बाहर ले चलिया है ऐसी जैसी, बाहर ले चल बाहर उतार गाड़ी है, ओए करके देखियो यहीं पे जोर लगा, जोर तो लगाना रहे था सर, पैक गियर लगा, कौन सा लगाऊ छो न्यूट्रल कर ले, माटी पे भाई, अब देखना ड्राइवर, ओ हो हो पहले बैग लो, ड्राइवर देखना, हाँ ले मार भाई मार, आराम से ले लो, जोर मत लगाओ आगे के लगेगी स्टार्ट, वाह चल कर अबे
ये थोड़ी सी करंट दिखावे है बस। अब के पक्का 100% कर दूंगा, जल्दी आ जा। अरे अब के हो जाएगी पक्का। कितनी मोटी प्रॉब्लम रे, बिना बैटरी के गाड़ी में कुछ भी ना है। कितनी इंजन सी हो, पावर हो, टायर कोई से हो, कुछ नहीं है। चलो ले, ओ छटे में लगा। चल गेड़ में चलो। ओ मां कसम मान के बेटे, आ जान किसकी हो जान। कहां हुई है क्या, कहां हुई है ना हुई। चाबी बंदी, चाबी हाथ ऐसे स्टार्ट होती हो। अरे भाई ये की टेक्निक है, तुम पीछे वापस लो। इसकी टेक्निक है। अब मेरे को अब मोर टेक्निक पता चल गया तुम्हें। एक बार ना हो रही। अरे गियर में क्लच छोड़ के सुन, ना हो रही क्लच छोड़ के, गियर में क्लच छोड़ के चाबी घुमानी है। पता नहीं कहा करवा पहले। मैंने भी यही यही चीज करी। अच्छा, पर तुम्हारा जोर कम हो। साइड में खड़ी कर, वो इंडेवर में तो जंप स्टार्ट करने कोशिश करते हैं। आकाश चल रहा। मैंने देख ली है। तो भाई अभी घनी देर होगी पछते पछते, इतने में भाई आ गए अपनी थार लेके, प्रांशु भाई। तो अब इसकी थार से ट्राई मारते हैं एक बार यहाँ पे, ये वायर लगा के। या तो ये बिजली वाली वायर है, नॉर्मल वाली रहती है ना, तो देखते इस तरीके से भी होता है। जंप स्टार्ट वाली केबल यार है नहीं हमारे पास, तो इससे ट्राई मार रहे हैं। लगाइए लाल पॉजिटिव पे, कौन सा है का भैया। चलो कोई मामे तो करो क्लच तो दबा। लाइट ही ना आ रही आकाश, लाइट ना आ रही, लाइट ना आ रही बिल्कुल भी। अरे तो वायर भी इतनी लंबी है यार, डीसी करंट है ना। वो भाई ऐसे भी नहीं होती। आगे यू होना है, वो आगे है भाई। एक चीज और मैं बताऊं यार, इसमें डिग्गी ना खुले यार ऐसे, जैसे बैटरी वीक होगी। हम वो निकाल रहे हैं वो टोक वाला, पर हाँ चलो वैसे निकाल लिया हमने पीछे से, ये भी ना खुलती यार। अरे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई आजकल, बिना बैटरी गाड़ी में कुछ भी ना है। नथिंग, या तो ऐसी हो ठेठ एकदम गाड़ी पूरी मैकेनिकल हो, है ना, उसमें कोई टेंशन ना। देखिए सब कुछ यही खुल जाया कि डोर वोर विंडो सब कुछ अलग है। अभी रुकियो चाबी लगा दे, स्टीयरिंग है ही ना, चलेगा ही ना स्टीयरिंग ऐसे। हाँ कदी टाइट चलो जा, प्रियांशु बताते रहियो कहीं खींच के ले जाते रहे। हाँ ओ ब्रेक तो चल रही है ना, चल रही। हाँ ले गो भी रास्ता में तो निकल रहे, चलो खेच खेच के ले। हुई बता। अरे हुई ना हुई, 1% आरपीएम ना उठा रही, कुछ उठाई ना रही। मेन रोड पे खेच के इधर, खेच के इधर बिल्कुल। आरपीएम तो ऐसे ऐसा करे भी ना, और आरपीएम ही ना ले कही है। दिनेश कहाँ रहे को? चल भाई अब दिखाता हूँ भाई मैं पूरा सीन एग्जैक्टली आपको। बिल्कुल लो है, देख कुछ भी ना बोल रही, पकड़ी हुआ है खल्ला पीछे से। ये देखे पहले गियर में क्लच छोड़ूंगा, देख हुई होगी 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 हुई हुई हल्की सी हुई, खेच के लेनी पर होगी होगी होगी। चले ना हुई अभी होएगी, खेच के ले, खेचने में खेच के ले, खेच के होएगी। अरे तू तो दूसरा कि लगा पहला ना, दूसरे लगा भाई छोड़ो क्यों, क्योंकि दूसरे गियर में क्लच छोड़ दी। ये हो तो रही है कुछ, मौसम से बना तो रही है भाई। इतने में तो है जा यार, यार बिल्कुल जानते है जाए। ले मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तीन बोलो ना है भैया, यू ना है। अब तो बैटरी को जंप स्टार्ट तक देखनी है, यू ना है ना, खराब हो जाएगी। और ऐसे और तो बजने लग गया, रहन दे चाव में लगा लो कहीं, रहन दे रहन दे, जंप स्टार्ट देंगे अब यार। चलो भाई ना और ही रहन दे, ब्रेक भी ना लग रही को सही मोड़ पर, रोक दे हमने जंप स्टार्ट देंगे कटता ही ना है भाई। हो गई ना ऐसे तो धक्का दे, जंप स्टार्ट देना पड़ेगा ब्रो इसको। कहीं बैटरी वाले पे बैटरी से बैटरी लगवानी पड़ेगी, जब होएगी बैटरी यार। फिर सोने वो ले आए, क्या पता उस छोटी वाली बैटरी से हो भी जाए। यहां है तो लगे गड्ढे पे, जी तो दुकान बगल में एक बैटरी वाला हुआ है, वो इन्वर्टर चार्ज वाला। चल वापस चल, हां वही करता है। चलो कैसा मोड है को प्रियांशु, सीधे कहां तक खुलेंगे जब बैटरी ना है तो। होगी होगी ओ होगी,
होगी होगी रेस देकर आके छोरा। अब समझ गो मैं कैसा है, यू रेस भी देनी पड़े यहाँ मैं भाई। मैं तो जब तक कह रहा हूँ रेस भी देनी पड़े, रेस देनी पड़े वही कह रहा हूँ मैं तो स्टार्टिंग में, रेस देनी पड़े हैं मैं। अच्छा रेस ना दे रहा हूँ बिल्कुल भी। अब बंद मत करती हो, बंद ना करूंगा आज जाके। अब यार सीधे सीधे जाके बैटरी चेंज, अगर ये आखिरकार थार ही काम आती है भाई। आप लोग जैसे कभी होता है रेस दिया करो, मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ कि तुम एक बार और करो, मैं कर दूंगा चाबी घुमा कर। टेक्निक समझ आ गई है ना। हाँ कह रहा हूँ मुझे टेक्निक समझ आ गई। टेंट लगो, टेंट लगो भाई। एक चीज और यहाँ पे देखो, इंजन लाइट विंजन लाइट आ गई इसमें, ये देखो आप सब चली जाएगी थोड़ी देर। हाँ चली तो जाएगी, ये देखो इंजन लाइट और स्टेयरिंग का, मतलब गाड़ी अजीब सी चल रही है, बहुत अजीब। तो भाई फाइनली गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई, इंजन लाइट इसमें बरकरार है। भाई अभी पूछ रहे, यश भाई आ रखे थे हमारे पास, तो पूछ रहे भाई इसमें ये कैसे आ रखी है, ये आपको दिख रही है ना। मैं कह रहा भाई आपको नहीं पता अभी क्या सीन हुआ। तो हम डिटेलिंग हीरोज आए थे फरीदाबाद, भाई की गाड़ी का वो मैट पीपीएफ थी उसको ब्लैक पीपीएफ में करवाने के लिए। तो जब उनको गाड़ियों की बहुत नॉलेज है, हर गाड़ी करते रहते हैं मतलब वो, तो मैं उनसे बैटरी की पूछ रहा था। तो बैटरी खराब हो गई होगी, चेक करवाऊं या फिर नई डलवा लूं? नई डलवा लो, नई डलवा लो। बिल्कुल रेगुलर चलती है आपकी गाड़ी, तो चांसेस है कि खराब हो गई हो। और कंपनी जो है वो मैक्सिमम 2 साल की वारंटी देती है, तो 2 साल की वारंटी मतलब। अच्छा एक चीज और, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें। देखो बोलना तो नहीं चाहिए ऑन कैमरा, जो भी कंपनी से चीज आती है जैसे खासकर टायर्स हो गए और बैटरीज हो गई जो एडिशनल आ गई, इसमें जो कंपनी है वो सबसे घटिया चीज लगा के कॉस्ट कटिंग बहुत होती है टायर्स में इतनी होती है, क्योंकि उनको 2 साल की ही वारंटी देनी है उसमें। वो ऐसी चीज लगाती है बस 2 साल ही चले। अगर यही सेम बैटरी आप बाहर से आफ्टर मार्केट लोगे तो वो ज्यादा चलेगी, उसमें क्वालिटी में फर्क रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो भाई अब गाड़ी को लेके आप पहुंचा हूं भाई बल्लमगढ़, रिस्क नहीं ले सकते। देखता हूं चेक करवाता हूं गाड़ी में भाई प्रॉब्लम क्या है, बैटरी खराब है, रिप्लेसमेंट की मांग रही है, चार्ज होने से दिक्कत। तो भाई ये देखो इतनी बड़ी सी मशीन होती है यहाँ पे, पूरे ये लगा दिए दांते से इसके, इसमें आएगा पूरा वोल्टेज वगैरह 13.10 दिखा रही है भाई। दो लाइव ऐप कर चुके हैं भाई, बैटरी तो ओके हैं जो ये भाई बता रहे हैं। एक बार लाइट ऑन कर दी मैंने, मैं इनको बता रहा हूँ देखो थोड़ी सी देर में ही चूस जाएगी। तो ये और अंदरूनी अब थोड़ा सा सेल वेल इनको चेक कर रहे हैं, मसाला छोड़ा पड़ा है इसमें, प्लेटें झड़ी पड़ी हैं, प्लेटें झड़ी पड़ी इसकी, खराब है क्या? हाँ जी हाँ जी। इतनी जल्दी खराब हो जाए यार, 3 साल भी ना पकड़ी। मसाला झड़ गया भाई साहब, मसाला झड़ा कैसे भाई, चलने से कितना गंदा पानी आ रहा है। तो होगी वीक होगी भाई बैटरी? हाँ भाई इसकी बैटरी बिल्कुल वीक है, आपको कहीं भी धोखा दे सकते हैं, आप चेंज करवाने की जरूरत है। रिप्लेसमेंट कितने की पड़ेगी अमेरोन की बैटरी? ये भैया 6600 रुपए की नई बैटरी है और 1600 रुपए की आपकी पुरानी बैटरी लेस होकर 5000 रुपए की पड़ती है। 5000 रुपए की? और वारंटी कितनी है इसमें? 30 महीने कोई दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है 2.5 साल। चलो भाई अमेरोन का घर वाली बैटरी में एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा वैसा ही है, एक बार एक्साइड का और देख लेते हैं यार मतलब कार बैटरीज में, क्योंकि क्या है अमेरोन तो अभी बिल्कुल नई नई सी कोई तो कंपनी आई है भाई, लेकिन एक्साइड तो बहुत मंदे टाइम से चली आ रही है, ये रिप्लेसमेंट भी काफ़ी है, तो मतलब मुझे ज़्यादा टच सा बैठ नहीं रहा। प्लेट व्लेट इसकी कोई ख़राब हो गई है, ये करंट स्टॉक नहीं कर पा रही है, मतलब अगर जैसे आज है मैं चला रहा हूँ इसको तो चलती रहेगी, लेकिन जैसे 2-3 दिन के लिए खड़ी छोड़ दी ना उसके बाद स्टार्ट करूँगा तो वो दिक्कत करेगी। एक बार एक्साइड वालों पर चेक करवा लेता हूँ भाई, बैटरी तो उसमें गुड़ आ रही है ना जी? नहीं जी फिर खराब है। गुड़ क्यों बता रही है एक साइड की? ये सीसी आपके यहाँ पर आने थे 500+। अच्छा तब गुड़ होती है, अभी 434 है, इससे नीचे चले गए, जबकि इससे 10% ऊपर होंगे तो जाके गुड होगी। इस सीसी से हम अगर 10% से ऊपर में नीचे भी जाती है ना, जैसे 500 से नीचे आती है तो रिप्लेस हो जाती है फ्री में। अच्छा फ्री में रिप्लेस हो जाती है कंपनी वाली भी? तो अब कितने की पड़ेगी हमको एक साइड की? 5200 लगा देंगे। अमेरोन जितना ही कर लो लगा दो फिर, 5000 की दे रहा था अमेरोन वाला भाई तो। पर भागर बदल लियो भाई, एक साइड ही डलवा ली मैंने यार, अमेरोन पे इतना ट्रस्ट नहीं, मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई। तो भैया करवा ली मैंने चेंज, डीजल गाड़ियों की बैटरी थोड़ी बड़ी होती है जिन भाइयों को नहीं पता, पेट्रोल की छोटी होती है। ये मसाला छूट रहा है इसका, जा तो अपने 1700 रुपए की ये लगी है भाई और 6000 की नहीं है, ऐसे 5300 की पड़ रही है लेकिन थोड़ा डिस्काउंट करके 5000 की दे रहे हैं। ये नई बैटरी भाई हमारी, सीधी लगा दो भाई ऐसे ऐसे लगेगी यू या को मुहूर्त पर एक है तो। भाई जैसा गौरव भाई ने बताई यार ये बात मुझे ट्रू लगती है यार, मतलब एक साइड से मुझे इतनी जल्दी जाने की उम्मीद नहीं थी यार, 3 साल पकड़ के
खत्म हो गई बैटरी, कुछ किया नहीं उसके साथ, कुछ नहीं होता होगा भाई। जो OEM वाले होते हैं ना बहुत कोस्ट कटिंग करते हैं इन चीजों में, ये शायद लंबी चल जाए क्योंकि ये बाहर से हम डलवा रहे हैं। और इसकी यहाँ पे 2.5 साल की गारंटी दे रहे हैं, ये कुछ भी खराब होता है हल्का सा भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो सीधे रिप्लेसमेंट है। मेरोन की भी 2.5 साल थी, इसकी भी 2.5 साल ही है यार। घर वालियों में तो 48-48 महीने की गारंटी देते हैं 4-4 साल की, इनमें मात्र 2.5 साल की। हद तक आदमी बार बार 5,000 रुपये डलवाता रहेगा गरीब आदमी यार। ये आपकी बैटरी का सीसी आया था, इसमें नई में 659 आया, ये नई वाली जो भी लगाई है हमारी में 459 सीसी सेम ही रहता है। 459 कम से कम होना चाहिए, नई में जो आया 659 आया है, आपकी में था 434। तो इसमें कितनी वारंटी रहेगी? 2.5 साल। 2.5 साल तो कोई भी दिक्कत आती तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट तुरंत एंड टू एंड। ये देख लो भैया स्पॉन्सर्ड ना है, पैसा देके आया हूँ 5,000 रुपए, ये 1,700 रुपए उसकी पुरानी के माइनस हो गए तो मैं 5,000 रुपए पे करके आया हूँ। और भाई मेरे लेके एक्साइड डलवाओ कोई अमेरोन डलवाओ कुछ भी डलवाओ, एक्साइड की मैं तो अब भी बुराई करूंगा भाई इतनी जल्दी खराब होगी। पर इसके अलावा मैं डलवाऊ भी क्या, ये ओकाया अमेरोन फमेरोन ये SF लिवगार्ड आई डोंट लाइक इट एट ऑल, एक्साइड ही ठीक है भाई, इस पे थोड़ा लिटिल लिटिल भरोसा कर सकते हैं। और न्यू बैटरी का फायदा देखो इतनी जल्दी आ गया भाई, जैसे कल एक फंक्शन है हमारे यहाँ पे तो आज किया ज़ेल्टोस की, अभी बैटरी चेंज करवा के लाया हूँ, कहाँ स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। और आज जैसे पूरे गाँव में लाइट नहीं है ना हमारे पे, इसकी तो केवल हमने बस ये DRL ऑन कर रखी है, इसकी पूरी ये हेडलाइट और फॉग लाइट ही ऑन कर रखी है। हेडलाइट तब भी बंद है, ये देखो कितना उजाला कर दे रही है। तो देख लो यार क्या मस्त टाइम पे ये बैटरी अपना चेंज हुई है, मस्त स्टार्ट भी हो जाएगी बढ़िया 5,000 रुपये में बढ़िया हो गया। टैप क्यों चल रहा है, इसको बंद कर दो यार, खामा का बैटरी चूसती है। मतलब जब चीज़ ख़राब हो जाती है तभी वैल्यू पता चलती है बैटरी वैटरी की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। चलो भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भाई का बर्थडे है तो प्रोग्राम है एंट्री गाँव में, बड़ा भंडारा है बड़े गाँव का, पूरे का मतलब दो गाँव का, तो ज़रूर आना भाई खाने के लिए सारे 21 सितंबर 2023 को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।